24 के रण की सबसे हॉट सीट वाराणसी में इस बार मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन का प्रचार में अपनी पूरी तरह ताकत झोंकना इसकी वजह माना जा रहा है। अंतिम चरण की इस सीट पर बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस पूरी शिद्दत से मोदी की घेराबंदी के लिए काशी में जुटी हुई है। डोर टू डोर प्रचार के साथ ही बीजेपी की तर्ज पर दोनों दलों के बड़े नेताओं का बनारस में डेरा है, जो प्रचार और प्लान के दम पर अब की बार मोदी को काशी में मात देने का सपना बुन रहे हैं। जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे, वो कुछ कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन वही प्रधान सांसद जी ये भूल गए कि अगर बीएचयू में जो बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जिन्होंने घटना की थी, वो सब के सब बीजेपी के लोग निकले थे। वो आप जानते होंगे, बीएचयू में घटना करने वाले लोग, जिन्होंने उस बेटी को अपमानित किया, जिसके साथ घटना हुई, अगर कोई पकड़ा गया था तो वो सब के सब बीजेपी के लोग थे। आपको बता दें कि वाराणसी में बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुकाबले पर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मैदान में हैं, जिनकी गिनती काशी और पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में होती है। यहाँ के रसूखदार भूमिहार जाति से वो आते हैं और इस सीट पर भूमिहार बिरादरी का बड़ी संख्या में वोट भी है, जिसके चलते ही सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने मोदी के खिलाफ अजय राव पर दाव खेला है। ऐसे में फिलहाल यहाँ बने सियासी माहौल से मुकाबला दिलचस्प बनता दिख रहा है। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे, और काशी के किसानों आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं, और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है। सही दाम मिलेगा आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। अगर काशी सीट के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, भूमिहार, कायस्थ और वैश्य मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं। मुसलमान, दलित और यादव वोटर्स की संख्या भी परिणाम को प्रभावित करने का दम रखती है। इसी को देखते हुए मोदी के मुकाबले इंडिया गठबंधन यहाँ जाति समीकरण को साध कर बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहा है। अजय राय के चेहरे और सपा गठबंधन के सहारे कांग्रेस का भूमिहार, ब्राह्मण, मुसलमान और यादव के अलावा दलितों पर दारोमदार है। करीब 19.5 लाख की लोकसभा में इनका 10 लाख से अधिक वोट बैठता है। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्ला, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। हालांकि पिछले दो चुनाव, साल 2014 और 2019 के चुनावी इतिहास में झांकें तो दोनों बार के परिणाम पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। काशी में मोदी के चेहरे पर एक तरफा बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जहां साल 2014 के पहले चुनाव में नरेंद्र मोदी आपके अरविंद केजरीवाल से करीब 3,70,000 वोट से जीते थे, वहीं 2019 में सपा की शालिनी यादव को मोदी ने 4,80,000 के बड़े अंतर से हराया था। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी पूरी तरह मोदी और बीजेपी के ही पक्ष में हैं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन का ही कब्जा है। 4 सीट बीजेपी के पास हैं तो 1 उसकी सहयोगी अपना दल के खाते में है। ऐसे में पिछले चुनाव के परिणाम से बनारस में पीएम मोदी की हैट्रिक आसान दिखती है, लेकिन विपक्ष का अजय राय के लिए प्रचार में शिद्दत से जुटना और पूरी जान झोंकना कहीं न कहीं इस बार मजबूत लड़ाई की कहानी को कहता है। दरअसल जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने को विपक्ष काशी में मोदी के खिलाफ मुद्दा बना रहा है, जिसका कुछ हद तक जनता में असर भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए ही घाटों की नगरी वाराणसी में लोग मोदी के खिलाफ बात करते भी सुनाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर चर्चा साल 2014 के बीजेपी और मोदी के चुनावी वादों पर भी खूब हो रही है।
जिसमें नौजवानों की 2 करोड़ नौकरी, किसानों की 2 गुनी आमदनी, गंगा की सफाई का संकल्प और काशी को क्योटो बनाने जैसे वादे शामिल हैं, जो पूरा करने में मोदी सरकार नाकाम रही है। इसीलिए विपक्ष बीजेपी के वादों को याद दिलाकर मोदी की काशी में घेराबंदी करता दिख रहा है। हालांकि बनारस का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 1 जून को मतदान के बाद ही काफी हद तक साफ हो पाएगा, जिसमें महज चंद दिन ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।